लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। प्रमुख प्रचारक जुटे चुनावी सभाएं और रैलियां करने में। थानागाजी में हुए दुष्कर्म के मामले में 6 आरोपितों को विशेष अदालत में किया गया पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर लगेगा जोधपुर IIT में, अमेरिका की कंपनी के साथ हुआ MOU। जयपुर बम धमाकों में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, शहर के सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर में 1100 दीपकों से की गई महाआरती, कोतवाली थाने में दी गई श्रद्धांजलि। और मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद जयपुर सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, जोधपुर में मकान की छत गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूं निधीश गोयल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण के प्रचार में भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 59 लोकसभा सीटों के लिए 19 मई को वोट डाले जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुनावी सभाएं और रैलियां करने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में चुनावी रैली को संबोधित कर कांग्रेस को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के लुधियाना में चुनाव प्रचार किया। अलवर जिले के थानागाजी में हुए दुष्कर्म के मामले में 6 आरोपितों को पुलिस ने कल SC/ST मामलों की विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। करने वाले 5 आरोपी और वायरल करने वाले 1 आरोपी, कुल मिला के 6 आरोपियों को हमने आज पेश किया है और इनका 3 दिन का पीसी रिमांड और लिया है, यानी दिनांक 16 तक ये पीसी रिमांड पर रहेंगे। ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल इन्होंने बताया है कि इन्होंने 5ों ने दुष्कर्म किया उनके साथ में, और इसके अलावा और बहुत सारे विस्तृत अनुसंधान है जो अभी किए जा रहे हैं। अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। देश का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जोधपुर IIT में स्थापित होगा। IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी ने बताया कि इसके लिए अमेरिका की NVIDIA कंपनी के साथ MOU साइन किया गया है। उन्होंने इस कंप्यूटर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिस काम को करने में सामान्य कंप्यूटर 1 वर्ष लगाता है, यह कंप्यूटर उसे मात्र 1 सेकेंड में कर देगा। इस सुपर कंप्यूटर की लागत लगभग 3 करोड़ रुपये आई है। हमारे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्स का ज़रूरत है, इसीलिए हमने जो सिस्टम इधर इंस्टॉल कर रहा है वो सेकेंड जनरेशन AI सुपर कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर IIT जोधपुर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च हो रहा है और जो रिसर्च विल हैपन इन फ्यूचर, इट विल सपोर्ट दैट रिसर्च इन अ बिग वे। दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो ये तो एकेडमिक रिसर्च और स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए है। थ्रू दिस एकेडमिक रिसर्च एंड एजुकेशन IIT जोधपुर विल प्ले अ मेजर रोल इन द कंट्री, एंड दिस इज IIT जोधपुर्स कंट्रीब्यूशन टू बिल्ड अप द AI मैन पावर फॉर द कंट्री। अलोंग विथ इट व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज वी आर आल्सो वर्किंग ऑन इनक्यूबेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजी पार्क। राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में फायरिंग कर 45 लाख रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि वारदात करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 2 आरोपी जयपुर के रहने वाले हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने धौलपुर और मध्य प्रदेश में दबिश दी।
इसके बाद चारों आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में कंपनी का चालक भी शामिल है। 10 लाख रुपए लूटे गए थे। इस घटना के संबंध में कुल 6 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बाद में पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को काफ़ी एक्टिव किया और इसी में ये सूचना सामने आई कि इस घटना में घटना को करने वाले जो लोग एक इंटरेस्टेड गैंग के सदस्य और पूरी इंटरेस्टेड गैंग ही है, धौलपुर, ग्वालियर और उनके कुछ साथी जयपुर में रहने वाले, इन सभी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें अभी तक हमने 4 जो एक्यूज्ड गिरफ्तार किए थे, इनको हमने 17 के यहाँ से गिरफ्तार किया है। साथ में उनके जो 2 साथी जयपुर के थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में उनको सहयोग दिया, उनको भी गिरफ्तार किया है। अब आगे पूछताछ में क्या क्या सामने आता है और क्या इनसे रिकवरी होती है, वो सारा कार्य अभी पूछताछ के बाद किया जाएगा। जयपुर शहर में 13 मई को 11 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों की बरसी को कल जयपुर एकता और संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर संस्कृति युवा संस्थान ने इस बम धमाकों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर में प्रार्थना सभा कर 1100 दीपकों से महाआरती की। जयपुर बम धमाकों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कल शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में शहर के कोतवाली थाने में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मण गौड़ सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन बम धमाकों में मारे गए पुलिसकर्मियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं छोटी चौपड़ पर मोमबत्तियां जलाकर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि जयपुर पुलिस बम धमाकों में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। बूंदी के जिला अस्पताल में एक मानसिक रोगी के पेट से डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर 115 कीले निकाली हैं। पेट से इतनी मात्रा में लोहे की कीले निकालने का यह सरकारी अस्पताल का पहला मामला है। जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अनिल सैनी ने बताया कि 1.5 घंटे तक चले ऑपरेशन में मरीज के पेट से 100 ग्राम वजन की 115 कीले और एक छोटा छर्रा निकालकर उसकी जान बचाई गई। इन कीलों की लंबाई 6.5 मीटर है। ये मरीज भोला शंकर मेरे पास पेट दर्द और पेट में सूजन की शिकायत लेकर आया। मैंने इसका एक्सरे कराया पेट का, तो एक्सरे के अंदर कीलों का गुच्छा नज़र आया। आज उसका ऑपरेशन प्लान करके कल 1 यूनिट ब्लड लगाया, क्योंकि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कमज़ोर थी, पैरों में सूजन थी और खून की भी कमी थी। फिर मैंने आज उसको 11 बजे करीब ऑपरेशन स्टार्ट किया और 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। आमाशय में से उसको पूरे कीलों के गुच्छे को, एक एक कील को पूरी सावधानी पूर्वक बाहर निकाला। उसके पश्चात मैंने उसको वापस हमारे सीआर मशीन होती है उसे कंफर्म किया, सारी कीलें जो है बाहर निकल चुकी थी। उसमें टोटल 115 कीलें थी और एक तार था और एक छर्रा था लोहे का, ये सब एक साथ ही मैंने उसमें से निकाले। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जगह जगह पक्षियों के लिए परिंडे बांधे जा रहे हैं। जयपुर में विभिन्न पार्कों में परिंडों के साथ साथ पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था भी की गई है। स्थानीय निवासी हनी चुग व एकता नारंग ने बताया कि परिंडे बांधने के साथ साथ दाना पानी को लेकर नियमित जिम्मेदारी भी हर व्यक्ति को निभानी चाहिए, जिससे गर्मी में बेजुबानों को राहत मिल सके। पानी पक्षियों की, बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए, जिस हिसाब से अभी गर्मी हो रही है उस हिसाब से तो हमें बार बार पानी डालना चाहिए, और हम दूसरों से भी यही आशा करते हैं कि दाना डालें सो दैट बेजुबान पक्षियों को उनकी प्यास बुझे। दाना और पानी पक्षियों को डालने आए हैं, ये एक पुण्य का काम है और ये सबको
करना चाहिए। मैंने डालना इसलिए स्टार्ट किया है पक्षियों को पानी, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब जो व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, तो मेरे पास क्या वीडियो आया था तो उसमें काफ़ी मतलब पक्षी ऐसे मर जाते हैं पानी से, तो फिर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि डालना चाहिए। राजधानी जयपुर का आदर्श नगर मोक्षधाम एक नई तकनीक का गवाह बन रहा है। लगातार घट रहे पेड़ों से प्रकृति को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए इस मोक्षधाम में एलपीजी के जरिए अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण और लकड़ी की कमी को देखते हुए प्लस समय की आवश्यकता को देखते हुए ये हमने एलपीजी गैस की भट्टी का ऑप्शन देखा, और ये राजस्थान में 6-7 जगह लगा हुआ है, तो उसको देख करके हमने प्रेरणा ली कि भी यहाँ अपने जयपुर में भी इसका जो है शुरुआत की जाए। क्या खर्चा है इसलिए ये गैस की भट्टी का टोटल खर्चा करीबन 22-1 लाख रुपए के आसपास है, जो हम लोगों से ही इकट्ठा करके आम पब्लिक और प्लस जो इस एरिया की जो सामाजिक संस्थाएँ हैं उनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एलपीजी के जरिए इस मोक्षधाम में होने वाले अंतिम संस्कार से एक तरफ जहां प्रदूषण रुकेगा वहीं पेड़ों की कटाई भी कम होगी। आदर्श सहयोग समिति के समन्वयक कौशल अरोड़ा ने बताया कि इस समिति के सहयोग से लगाई गई एलपीजी भट्टी जयपुर जिले में पहली होगी और इससे खर्च भी कम होगा। इसके अंदर पर्यावरण के अंदर ध्यान रखते हुए एलपीजी फर्नेस होने के बाद भी हमने एक फिल्टर लगाया जिसकी कॉस्ट 3 लाख रुपए है। अगर चाहती तो समिति उस 3 लाख रुपए को बचा के एलपीजी से भी कर सकती थी, लेकिन हमने उस फिल्टर को भी लगाया जिससे पर्यावरण को पूर्णतः इससे किसी भी तरह का असंतुलन ना हो। और मूलतः 2014 के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक मुहिम चली थी जो भारत सरकार की भारत ग्रीन योजना के तहत थी, वहाँ से प्रेरणा लेके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। साथ में एक गाँव एक शमशान और एक कुआँ इस मनीषियों के द्वारा दिया गया एक ऐसा प्रस्ताव था जिसको हमारी समिति ने अंगीकार किया और उस पर हम लोग प्रयासरत। इसमें एक व्यक्ति के ऊपर मूलतः 2 गैस सिलेंडर लगेंगे। भारत सरकार की योजना के तहत शमशान भूमि में दिए जाने वाली गैस घरेलू गैस होगी। और अब वक्त है कुछ समाचारों का मौसम से संबंधित। प्रदेश में कल मौसम में आए बदलाव के बाद राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी में काफी राहत मिली है। जयपुर में शाम 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं, इसके बाद शहर में कई जगह तेज बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। उधर चूरू बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर में भी बारिश और आंधी आने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। जोधपुर में देर रात तेज अंधड़ के दौरान रसाला ओवरब्रिज रोड स्थित पृथ्वीपुरा में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक गर्भवती महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। मृतक एक ही परिवार के थे। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने पुलिस की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई। और आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। प्रमुख प्रचारक जुटे चुनावी सभाएं और रैलियां करने में। थानागाजी में हुए दुष्कर्म के मामले में 6 आरोपितों को विशेष अदालत में किया गया पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर लगेगा जोधपुर IIT में, अमेरिका की कंपनी के साथ हुआ MOU। जयपुर बम धमाकों में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। शहर के सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर में 1100 दीपकों से की गई महाआरती। कोतवाली थाने में दी गई श्रद्धांजलि।
और मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद जयपुर सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हुई वर्षा। जोधपुर में मकान की छत गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। दूरदर्शन समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।